नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है, फ्लोर टेस्ट होना है आज। चंपई सोरेन सरकार आज साबित करेगी अपना बहुमत। पूर्ण सीएम हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन को कोर्ट की ओर से इजाजत दी गई थी, जिसके बाद वो विधानसभा पहुंचे। चंपई सोरेन सदन में बहुमत साबित करेंगे और ये पहली अग्नि परीक्षा है। इसमें चंपई सोरेन पास होंगे या फेल, ये सब कुछ निर्भर करता है इस फ्लोर टेस्ट पर। हालांकि 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है चंपई सोरेन की ओर से, लेकिन ये दावा फ्लोर टेस्ट पर कैसे नजर आता है और क्या उतना ही आंकड़ा पेश कर पाएंगे चंपई सोरेन, ये देखना दिलचस्प होगा। फ्लोर टेस्ट के बाद ये तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाएंगी। चंपई सोरेन की ये पहली अग्नि परीक्षा है, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कमान संभाली हुई है इस वक्त राज्य की। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी इस फ्लोर टेस्ट में शामिल रहेंगे, विधानसभा के अंदर वो मौजूद हैं। और जैसे ही देखिए विधानसभा के अंदर पहुंचे थे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, वहां हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगने लगे थे। सदन के अंदर की तस्वीरें कुछ इस कदर आई थी। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी तीनों के समर्थन की सरकार है, और ऐसे में देखिए वो विधायक जो कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं थे, जिन्होंने दूरी बना ली थी, अब चंपई सोरेन के नाम पर वो लोग भी समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो फ्लोर टेस्ट है, ये जो अग्नि परीक्षा है चंपई सोरेन की, इसमें वो पास हो जाए और बहुमत साबित कर दे। हालांकि बीजेपी की ओर से भी रणनीति बनाई गई है, लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा पर हावी हो पाएगी? थोड़ी देर में फ्लोर टेस्ट होना है और ये फ्लोर टेस्ट ये साफ करेगा कि झारखंड में चंपई सरकार बनी रहेगी या नहीं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन देखिए वो भी मौजूद हैं, कोर्ट की इजाजत उन्हें मिली और वो इस कार्यवाही में शामिल रहेंगे। कार्यवाही हालांकि जारी है, इससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। ये फ्लोर टेस्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश में है। तो थोड़ी ही देर में चंपई सोरेन सरकार की पहली अग्नि परीक्षा, झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करेंगे और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक विधानसभा में हैं। 81 सदस्य झारखंड विधानसभा में, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के 47 विधायक हैं। सीपीआईएमएल के एक विधायक का समर्थन बाहर से भी प्राप्त है। देखिए दावा किया जा रहा है कि 48 से 50 विधायकों का समर्थन है चंपई सरकार की सोरेन को, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी कोशिश कर रही है। तो 81 विधानसभा सीटें हैं, यानी 81 सदस्य सीट। अब ऐसे में 47 से 50 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं चंपई सरकार। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए चंपई सोरेन का जो सियासी सफर है वो हम आपको बताते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहली बार चुनाव जीते थे चंपई सोरेन, और उसके बाद 1991 में
सरायकेला से पहली बार विधायक चुने गए थे चंपई सोरेन, और उसके बाद देखिए क्योंकि पहली बार निर्दलीय और उसके बाद पहली बार 1991, फिर 1995 में जेएमएम के टिकट पर दूसरी बार चुनाव जीते। यहां से ये माना जाता है कि जनता का जो विश्वास था वो और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ और दूसरी बार जीत कर आए थे चंपई सोरेन। 2000 में पहली बार चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली थी, यानी दो बार चुनाव वो लगातार जीते और उसके बाद तीसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो उन्हें पहली बार शिकस्त मिली थी। 2005 में तीसरी बार चुनाव जीतकर वो विधायक बनते हैं, 2000 में शिकस्त, लेकिन 2005 में एक बार फिर से जनता ने उन पर भरोसा जताया। 2009 में चौथी बार विधानसभा का चुनाव वो जीते, यानी जब एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो बस एक बार उन्हें शिकस्त मिली और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते गए, उनका सफर जो है वो जारी रहा। 2014 में पांचवी और 2019 में छठी बार विधायक बने थे चंपई सोरेन, जो कि फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री है और जिन्हें आज फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है। 2010 में मुंडा सरकार में वो पहली बार मंत्री बने थे, तो यहां पर देखिए अब से पहले वो विधायक बनते रहे लेकिन 2010 में मुंडा सरकार आई जब वो मंत्री बने। 2013 में जेएमएम कांग्रेस की सरकार में उन्हें दूसरी बार मंत्री बनाया गया था। ये उनका सियासी सफर जो है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2020 में तीसरी बार हेमंत सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, और देखिए यहां से आप समझ सकते हैं कि 2020 में जब उन्हें हेमंत सरकार में मंत्री बनाया गया तो उनके प्रति विश्वास ऐसा था कि जब ये खबरें आई कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा तो सभी ने एक साथ चंपई सोरेन के नाम पर सहमति जताई। तो झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र एक बार फिर से शुरू हो गया है, सीधा ले चलते आपको। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हेमंत बाबू है ते हिम्मत, हेमंत बाबू है ते हिम्मत है। आज आज 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व जनदास को प्राप्त किया गया था, और सरकार भर गठन हेमंत बाबू के नेतृत्व गठन करने के साथ साथ हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया, और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में, और परिस्थिति में इस राज के अंदर में स्वास्थ्य विभाग बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके ये सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं। इसलिए महोदय इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज्य के प्रवासी मजदूर
विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था। इस तरह से लॉकडाउन हुआ, पूरा भारत वर्ष में जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, दो अढ़ाई तीन महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूरों किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। दो साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ। हेमंत बाबू के नेतृत्व में चार साल हुआ। चार साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा और धनी प्रदेश का सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं। मेजर खनन, आयरन, कोयला, बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला। लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन भी एक इतना बड़ा आर्यनर का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ। जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वहां का सामाजिक आर्थिक शिक्षाणी के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे? यहाँ का आदिवासी मूल क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए? गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है? क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी हुआ है? उसी को समझते हुए हेमंत बाबू ने सोचा, हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण क्या बोलता है, हेमंत सोरेन का चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट टू है,
जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो सवर्जन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी डीडीसी अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना आपकी स्वर आपके द्वार कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज सवर्जन योजना से जोड़ने का काम किया। ये क्या गुनाह है? जो हमारा मजदूर का बेटा किसान का बेटा पर मैट्रिक करते हैं, जो डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं मिलते, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को निकल दिया, आपको 15 लाख तक ले लीजिए, आओ डिप्लोमा इंजीनियर कीजिए। छात्रवृत्ति को एक गुना दो गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया फ्री। स्मार्ट मॉडल स्कूल भी शुरुआत किया किसके लिए? ये सोच के ये योजना लाया है मोदी बाबू ने, जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा। ये क्या गलत है? हमारा विपक्ष साथी को झारखंड अलग राज्य होने के बाद काफी समय नेती तो क्या इस प्रदेश का हमको तो गुरुजी दिशम गुरु शिव संस्कार हमको सिखाया, संघर्ष करने को सिखाया, उसी का विद्यार्थी हूं मैं। दिशम गुरु शिव को आदर्श झारखंड आंदोलन से लेके अभी तक हमने इस मुकाम तो गया, संस्कार सिखाया हम लोग किसी में हम लोग, लेकिन मजदूर है आज नहीं बोलने की इच्छा थे, आज आपके बीच में बोलने का हमने मजबूर। जो देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया है, हमारा 2019 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादास प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत का सरकार बना, और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर, उसी के नाम पर आए जिनको जेल तक जाना पड़ा। हम उस समय याद हमको आता है कि आज झारखंड के इतिहास को हम याद करते हैं, जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी या दलित मूलवासी कार्य नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। चाहे बाबा तिलका मांझी का इतिहास, चाहे सिद्धू कन्हू चांद भैरव फूलो जानो का इतिहास, चाहे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास, चाहे पोटोहो का इतिहास, चाहे ताना भगत का इतिहास और वीरों का इतिहास, इसी धरती के आदिवासी मूलवासी का सामाजिक व्यवस्था, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उनको अभी आवाज था। लेकिन आज हेमंत बाबू के ऊपर में किसी तरह का आज खाता बहु में नाम नहीं आया उस जमीन में।
पूरा देश की जनता देखते हैं हेमंत बाबू के साथ क्या अन्याय हुआ है। यही उनका गलती है। आज हमारा विपक्ष का साथी का कार्यक्रम बनता गांव के ओर जाने के लिए, कोई भी गांव जाइएगा हेमंत बाबू का हर घर में योजना देखिएगा। उसको मिटा नहीं सकिएगा। जिसका बदान में तो विधानसभा में विश्वास मत पर बोलते हुए चंपई सोरेन को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को गिराने की कोशिशें की गई। इसके साथ ही कोरोना काल में जिस तरह से सोरेन सरकार ने काम किया इसका जिक्र भी उन्होंने किया। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।